बात करेंगे मध्य प्रदेश के ग्वालियर की, जहां पर कांग्रेस के स्टार प्रचारक कन्हैया कुमार मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने ग्वालियर विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा के लिए विधानसभा में जनसंपर्क किया है। बता दें कि इस दौरान उन्होंने एक जनसभा भी की। इस दौरान उन्होंने कहा, कुछ बड़े वादे किए हैं, दावे किए हैं। कन्हैया कुमार ने कहा कि देश में लोकतंत्र है, कोई किसी का गढ़ नहीं है। लोकतंत्र में ना तो किसी का गढ़ काम करता है और ना ही पिता की विरासत काम आती है। कन्हैया कुमार ने कांग्रेस की जीत का भरोसा जताया है। चुनाव कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ रही है, एक तरफ मध्य प्रदेश की जनता है और दूसरी तरफ भाजपा है। तो यह चुनाव भाजपा और मध्य प्रदेश के बीच है और मध्य प्रदेश की जो जन आकांक्षा है उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में है, जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। हमको लग रहा है कि पूर्ण बहुमत के लिए अच्छे से जो है मध्य प्रदेश में सरकार बनने की कोशिश है।